है चने की वो मतलब चलें। जब तक प्याज काट रहे हैं तो जब तक हम ये सोचते रहे हैं कि ना तेजी रख देते हैं ताकि हमारा जो है ना टाइम अच्छे से बच जाए। हमें देर ना लगे। ये देखें हमारी दाल माशाल्लाह उबल रही है, बहुत झाग निकल रहे हैं इसमें से।
देखें माशाल्लाह से ये पकौड़ों के लिए बहुत बेहतरीन प्याज है, तरीके की प्याज है। इतनी बड़ी बड़ी प्याज चाहिए होती है पकौड़ों में, सालन में तो छोटी वाली भी चल जाती है। ये चाइना की प्याज है, ईरान की प्याज है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्याज हमारी गोल्डन होती है, फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी। प्याज हो गई है तो हम इसके अंदर जो है अपने टमाटरों को शामिल कर देंगे। हम नमक डाल देंगे ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, नमक से आपने सुना होगा कि टमाटर जो है वो ज़्यादा जल्दी गलते हैं। तो 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं, जैसे ये भाप में गलते हैं तो फिर मैं इसके अंदर जो है लाल टमाटर है वो अच्छी तरीके से मतलब इसके अंदर गल रहे हैं, इसको हम अगले दौर में लेंगे। और अब इसके अंदर हम अपने जो है वो कच्चे स्पाइसेस डाल देते हैं, चलिए 2 मिनट डालेंगे। करीबन 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच, और अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी का पाउडर। अभी 1 चीज और रह गई है, हमने इसके अंदर पेस्ट भी नहीं डाला था, ये हम इसके अंदर पेस्ट डाल देंगे अच्छी तरीके से भूनेंगे। हमने इसको तेज आंच में भूनना है, थोड़ा सा पानी डाल के। ताकि इसके जो मसालों की छाप है वो बिल्कुल निकल जाए। दाल चेक कर लेते हैं अपनी कि हमारी दाल गली या नहीं गली। सही है, ज्यादा नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा चेक करूंगी। दाल अभी कच्ची है, तो हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और देखेंगे। मसाला हमारा तेल भून गया है तो अब हम अपनी दाल जो है वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसे भी भून लेते हैं जल्दी। फिर लाइट तो कुछ पता नहीं है तो हम इसके जल्दी भी रोटी भी बनाएंगे। अब जो है हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमारी मसाले वाली दाल जो है देखें बिल्कुल बनने से हो रही है तैयार। तो हम जो है थोड़ा ऐसे पतला रखेंगे इतना ताकि खाने में आसानी हो जाए।
अब इसे हम शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर अपनी बनाने लगेंगे रोटियाँ। दाल हमारी वैसे अंदर से हो गई है, जब भी आपके पास कम दाल हो तो आप इस तरीके से करके पका सकते हैं। और इसे हम रख देंगे, तो यहाँ हम चूल्हे को कम कर देंगे और अपना तवा रख देंगे, पकाना शुरू करते हैं अपनी रोटी। एक बार दाल को चेक कर लेते हैं, पक रही है दाल हमारी, पक रही है और माशाल्लाह खुशबू भी बिल्कुल कोरमे जैसी आ रही है। हम अपनी दाल को एक बार चेक कर लेते हैं जब तक हमारी रोटी हो रही है। उसके बाद फिर अगर हम धनिया डाल देंगे तो तब तक अपन पहले अपनी रोटी सेक लेते हैं ताकि जलना जाए। चलनी रोटी भी हमारी माशाल्लाह से बन गई है, तवा हम अपना उतार देते हैं और दाल को अपने बड़े चूल्हे पे कर देते हैं, छोटे चूल्हे को कर देते हैं बंद। माशाल्लाह से दाल जो है हमारी हो गई है बन के तैयार। अब
आप भी इस तरीके से नई तरीके से दाल बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बिल्कुल कोरमा स्टाइल दाल बनेगी। अब जो है हमको चूल्हे के फ्लेम को कर देंगे बंद और डालेंगे इसके ऊपर अपना हरा धनिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तरीके से, और ये देखें माशाल्लाह से, अब आप देखें कितनी जबरदस्त धूप आया है, ये बहुत बेहतरीन दाल बनी। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ही अपनी बहन को इजाजत दीजिए, चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़।